में दोनों ओवैसी भाई अफरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों ही हमारे साथ है। अभी जिस तरीके से प्रचार चल रहा है जोर पकड़ रहा है और दोनों इस वक्त जो है पदयात्रा करते हुए प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो अकबरुद्दीन आपकी सेहत कैसी है और लोग देख रहे हैं हम आपको तीन तीन चार चार घंटे जो है पैनल द्वारा होना। यहाँ ठीक है, सेहत काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रचार पिछले बार से इस बार? हर बार एक काम बढ़ता जाता है, मुश्किल होता है, एंटी एंटी इंटरवेंशन दिखती है, कैसा दिखता है? हर टर्म में आवाम का एतमाद और मेजॉरिटी ज्यादा होती रही है। इस मरतबा भी यकीन है कि आवाम का एतमाद और मेजॉरिटी और बढ़ेगी। कैसे मुद्दे हैं, क्योंकि एक मुद्दा जो हम बहुत लोगों से सुन रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे लोग काफी खुश हैं, लेकिन कैसे कैसे देखते हैं आपको लगता है कि क्या विकास के नाम पर एजुकेशन तक ही सीमित रखना चाहिए? फ्लॉस कैसे काम करता है आपको करने की जरूरत है? जब आप डेवलपमेंट्स को देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर हुआ है तो करीब 14,000 करोड़ का काम हुआ है। फ्लाईओवर अब आप ठहरे हैं, फ्लाईओवर के नीचे ये भी डेवलपमेंट है। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का एक्सटेंशन हुआ है, फिर अंडरपास है हमारे पास और ओवैसी हॉस्पिटल का फ्लाईओवर है। रोड वाइंडिंग से सबसे ज़्यादा हुई है हमारे पास और रोड्स का काम हुआ है, तो काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। और फिर मैं खुद अपनी तरफ से नहीं, बल्कि आप जाकर देखिए फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ पर 42 करोड़ से पूरा KG to PG कैंपस बन रहा है विद वन स्टेडियम एंड प्ले ग्राउंड एज वेल, तो काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज है जो आपके विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि परिवारवाद है, ओवैसी परिवार है, लोग इसलिए वोट करते हैं, कैसे देखते हैं आपको लगता है कि परिवारवाद करते हैं? हम देख रहे हैं आपके बेटे भी जो है वो भी दिख रहे हैं इस वक्त प्रचार के। ऐसा नहीं है, देखिए कि हर वक्त मेजोरिटी बढ़ती जा रही है, तो हमारा काम है, हमारी कारकर्दगी है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं, मुझे रिकग्निशन मिला और मैं रिकग्नाइज हूँ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से और मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहाद ज़मीन की वजह से और मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, मगर हम काम कर रहे हैं और हमारा काम सबके सामने, इसलिए कितने लोग आज खड़े हैं हमारे सामने। पब्लिक रैलियों से ज़्यादा जो है पदयात्रा पर आप ज़्यादा यकीन रखने लगा है, पिछली बार भी हमने देखा कि मैदानी दौरे हो रहे थे। हम दोनों चीज़ें करते हैं, सुबह और शाम पदयात्रा करते हैं, फिर शाम में 10 बजे से पहले पब्लिक मीटिंग्स भी करते हैं, फिर रैलीज भी करते हैं, बिल्कुल बैलेंस तरीके से हम करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं।